गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज आप मुझे साड़ी में देखोगे और मेला आप देख सकते हो। थोड़ी सी मुझे रील भी बनानी है और कुछ नहीं दिख रहा है। मैं लाइट ऑन करती हूँ। आई थिंक थोड़ा सा आपको दिखा होगा। तो इस तरह से है। और तो आज क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये रही मेरी प्रिंसेस, देखो कितनी प्यारी लग रही है। और ये आप इसका मेकअप गिफ्ट मेकअप किट है, इसको गिफ्ट में चाहिए। तो आज है मेरी डॉल का बर्थडे। कायना हैप्पी बर्थडे टू यू। सब आपको विश कर रहे हैं, थैंक यू बोल दो। कायना को इतना सारा विश करो ना, बहुत सारा विश करो, कमेंट बॉक्स पूरा फुल कर दो और कमेंट कर करके कायना। अच्छा, इसको मेकअप किट चाहिए, बस मेकअप का सामान चाहिए बर्थडे में, पढ़ाई का सामान नहीं चाहिए। ये देखो, ठीक है चलो। अभी हमने जल्दी जल्दी पूजा की है और अभी मंदिर में जा रहे हैं, फिर बाद में और भी काम है। तो आज मैंने इयर रिंग्स इस तरह से डाला है। मेरे को ना ईयर में यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया था, तो आज मैंने आफ्टर वन मंथ मैंने ये डाला है, तो इस तरह से डाल लिया क्योंकि बहुत पतला सा था इसका ना ये लॉक, तो बस ऐसा पायल नहीं डालती है, तो मैंने आज पायल भी डाल दिया है इसको और अच्छी लग रही है। ये रही कायना। आ जाओ। हाँ तो अभी ठीक है ना, ज़्यादा ओवर सा लग रहा था। और ये अलग ही एकदम से मैंने बिंदी लगा ली। आईब्रो के बाल बहुत ज़्यादा आ गए तो बनाने हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं रहा था, मतलब ध्यान था बट टाइम नहीं मिला। तो ये रही हमारी स्कूटी, बैठो चलो। और ये मुझे स्वीट्स लेने चलेगी और मेरे बाल पूरे ख़राब हो गए हैं, मैंने कॉम्बी नहीं किया ना, इसे जीप से हो रखे हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं मंदिर। मैंने फेस पे कुछ नहीं, सनस्क्रीन के अलावा कुछ नहीं लगाया। आ गई अपना डॉल, क्या करने गए थे? इधर ही रहो, बस पानी में मत जाओ। क्या करने गए हो? स्वीट्स लेने गए ना। अच्छा, क्या हुआ? आर यू सैड? कैसा लगा मम्मा का गिफ्ट? हाँ, ये थोड़ा पीछे लगाओ नहीं तो। ये आज आपका बर्थडे है ना, आपको क्या चाहिए और बर्थडे में? बर्थडे ऐसे तो होता है। तभी हम चलते हैं मंदिर। तो पूजा हमने कर ली है भगवान जी। अभी हमने घर थोड़ा सा सेट कर लिया है और अभी हम खाने का टाइम, खाना खा रहे हैं। ओके सो अभी मैं, और ये इधर कायना खाने से बचती हुई एज ऑलवेज। और अभी बच खाया, और अभी बज रहे हैं 12:58 हो गया। अभी क्या कर रहे अभी? अभी 12:58 हो गए हैं, तो अभी हम थोड़ा सा फ्री हुए हैं। अभी हम थोड़ा जाते हैं बाहर, थोड़ा सा बाहर का काम देखते हैं और अभी फिर 5 बजे से सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अच्छा नहीं फील हो रहा है मुझे, बहुत लो सा लग रहा है, तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ एक कोना पकड़ के। ठीक है, आगे जो भी होता शेयर करते थे सर। और अभी फिर से हम लिफ्ट में, और अभी हम कंफर्ट जोन में आ गए हैं। मतलब साड़ी में थोड़ा सा लग रहा था, आईब्रो बनवाने में साड़ी में गई थी, बट अभी मैंने पहन लिया है मैक्सी और बहुत सारे लोग इसको गाउन बोलते हैं, व्हाटएवर। ओके सो कायना ने भी कंफर्ट पहन लिए हैं। सो कायना ने भी कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए और बारिश आ गई थी जब हम नीचे थे, तो हमने कपड़े उतार के इधर रख दिए, ये देखिए। और कायना भी इस तरह से अपने पुराने कपड़ों में आ गई। और ठीक है, आज मैंने ये डाल लिया है, मम्मी का दिया हुआ गिफ्ट, शादी में दिया था मुझे, मतलब और भी चीजें थी बट मैंने आज ये डाल लिया है। कायना मम्मी का गिफ्ट, देखो कितनी प्यारी लग रही है। शो मी, ऐसे बाहर निकालो। हाँ गुड गुड, डालो। ये देखो, ये इसका गिफ्ट है जो इसके मामा जी की तरफ से था इसके लिए। हटाओ,
तो ये अच्छा लगता है बच्चों को कभी कभी ऐसे पे डालना, है ना। मतलब डेली तो नहीं डाल सकते बच्चों को क्योंकि खो देते हैं, बट ऐसे डाल सकते हैं स्पेशल ओकेजन पे। तो ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा करती हूँ रेस्ट, अभी हमने डेकोरेशन कर लिया है, बट मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, सरप्राइज है, बाद में देखिएगा। हो सकता है इस वाले व्लॉग में मैं डालूँ, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं फिर उसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाऊंगी। बट बहुत अच्छी डेकोरेशन की है मैंने और हम सब ने मिलके, तो ठीक है। और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी, तो ठीक है, अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है और घर वालों को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। फ्रेंड्स बचे हैं और काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, डांस भी किया बच्चों ने, तो बहुत अच्छा लगा। और डांस और म्यूज़िक के बिना कोई जो कोई भी सेलिब्रेशन हो वो अधूरा ही लगता है मुझे तो पर्सनली। और अभी बस मैं इस ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। गिफ्ट्स हैं तो जब हम गिफ्ट्स ओपन करेंगे ना, कायना क्या क्या मिला मैं आपको साथ में शेयर करूँगी। और ये रही कायना, कायना बोलो आज मेरा बर्थडे था। और मैं दिखाती हूँ, मुझे अच्छी लगी। तो ये देखिएगा, ये अभी हमारी गिफ्ट है, मैंने अच्छा लग रहा है गाइस, देखो बर्थडे से ज्यादा। ओके सो बाय बाय बोल दो, बाय बाय। तो इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और सबसे बहुत सारा प्यार कीजिए। तो ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं कायना ने वियर किया हुआ है, इसके मामा ने अभी इसको कुरियर करा है, इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। बहुत ही ब्यूटीफुल है इसका कलर, मतलब कैमरे में उतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है, कभी हम बाहर जाएंगे तो पहनेंगे। तो ये अभी रिसीव हुआ है, तो उसने वीडियो कॉल किया है उसके मामा ने, और फिर उसको देखा है कि वीडियो कॉल करके, तो मैंने छोटी सी क्लिप ली उसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि मतलब उस टाइम ये डिलीवरी जो है लेट दिखा रहा था, बट उसने ऑर्डर कर दिया था। बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस और एकदम कम्फर्टेबल है। तो अगर लिंक मिला तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी बच्ची के लिए। बहुत ही प्यारा सा है, किसी भी स्पेशल ओकेशन पे आप इसको डाल सकते हैं, और ऐसा चुभने वाला नहीं है, जैसे कि बच्चों को इस तरह के ड्रेसेस कंफर्टेबल नहीं होता है। बहुत ही प्यारा है और मतलब ऐसे लाइट वेट है, इसे हैवी नहीं फील होता है पहन के, बट हैवी लुक देता है। और ये जो ड्रेसेस है ये रखे हुए थे हमारे पास में, तो इसको ही डाला था उस टाइम हमने। और कायना ने, आप बाद में देखेंगे ना, उसने जो डांस का जो वीडियो है एकदम से निकाल दिया था केक कट करने के बाद में, क्योंकि उसको वॉशरूम वगैरह जाने में और चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसने वो वाला ड्रेस ऑर्डर किया है,
तो जिसमें उसको मतलब चलने में या फिर कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी करने में बैठने में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है सच। और ये जो आप केक देख रहे हैं इसका जो डिज़ाइन है ये मैंने सेलेक्ट किया था, क्योंकि इसको मेकअप का बहुत मतलब लड़कियों को होता है शुरू से ना, मतलब बाद में हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ना, बट अभी शुरू में मतलब छोटी है तो भी बोलते हैं मम्मा मेकअप ये सब, तो मैंने इस तरीके का, और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। फर्स्ट टाइम इस तरह का थीम रखा है हमने, मतलब केक का लिपस्टिक है इसमें, का पैलेट दे दिया है और आई शेडो पैलेट इस तरीके का है, और यहाँ पे हमने जो फ़ोटोज़ ली है इधर ऐड कर दिया है। आप बताइएगा कौन सी फ़ोटो अच्छी लगी आपको। ये केक का पूरा एक पिक्चर लेके मैंने रख दिया है जिसमें ब्रश है, अच्छा लग रहा था मुझे ये वाला केक का जो डिज़ाइन। आपको कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। मेरी चॉइस एक आईना की, कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको हमने इन्वाइट किया था, उनके पेरेंट्स को, और उनका मतलब फेस वगैरह नहीं दिखा सकते, आपको पता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हर कोई नहीं आना चाहता है, और अच्छा भी नहीं लगता है किसी की परमिशन के बिना हम ऐसे निकल सकते हैं ना, इसलिए मैंने मतलब उनको हाइड कर दिया थोड़ा सा। और इस तरीके के पिक्स हैं। तो इस तरीके का दिन था, मतलब जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी उसके 2 दिन बाद है, ये 22 जून का है, बहुत लेट हो गया आई नो, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और इतनी एनर्जी नहीं थी। तो अगर इस व्लॉग को आपने पसंद किया तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।